तो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं आया हूँ भीलवाड़ा की कालियास पंचायत में मेरे दोस्त हंसराज के साथ में। और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो पंचायत है दोस्तों, इस कोरोना काल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ के जो सरपंच साहब है शक्ति सिंह जी चुंडावत, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है कोरोना के संक्रमण को अपने गांव में और अपनी पंचायत में बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए। यहाँ टोटल कुल 3 पॉजिटिव आए थे, 3 या 4 पॉजिटिव आए थे, उसके बाद कोई पॉजिटिव नहीं आया दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो कदम उठाए उसके लिए वो मैं यहाँ कवरअप करने के लिए आया हूँ। ये देखने के लिए आया हूँ कि जो न्यूज़ में मैंने बातें सुनी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो इनका आर्टिकल पढ़ा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये देखने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं अभी। और थोड़ा सा ड्रामेटिक होने वाला है वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले तो हम बिना मास्क लगाए वहाँ तक जाएंगे इनके गांव की एंट्री पे, क्योंकि वहाँ मैंने सुना है कि जो गांव की 2-3 जगह एंट्री है, जहाँ से मेन एंट्री, जैसे ये भी एक एंट्री, तो वहाँ पर आगे बैरिकेड लगे हुए हैं, मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से लोग खड़े हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं। तो किस तरह से वो हमको रोकते हैं और उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं और किस तरह से सारी बात होती है, तो चलो मेरे साथ। तो दोस्तों हम जा रहे हैं कालियास पंचायत में, देखते हैं यहाँ कितनी सच्चाई है। सामने देखो ये आ गया एंट्री पॉइंट और यहाँ स्कैनिंग चल रही है दोस्तों, थर्मल स्कैनिंग हो रही है। यार हाँ भाई क्या हुआ, ऐसी स्कैनिंग है? मैंने कोई बुखार उखार कोने यार। अरे मास्क कहाँ है भैया आपका? मास्क कोने मांगे ने का कोने कैसे नहीं है मास्क मारने के है घणो इके ने को कोने। अरे यार भैया मास्क लगाओ, आप समझदार आदमी और आपने मास्क नहीं लगा रखा है भैया। मास्क लगा लिया मत करो, जो के करो ये सैनिटाइजर है भैया, चलो आप निकलो। अरे कोई बुखार उखार थोड़ी क्या, हमारे पास जाने दो यार, हम लेट हो रहे हैं, हमारा काम है यार। भैया विदाउट मास्क और विदाउट स्कैन के सिवाय हम आपको यहां से नहीं जाने देंगे भैया। आप मास्क लगाओ, हमने आपको 3 बार कही थी, बेस मत करो, हम लेट हो रहे हैं यार, हमारा अर्जेंट काम है यार। जब इतना सब कुछ करिए सरकार, इतना करा रही है कोविड-19 के तहत, और आपकी स्थिति है, मास्क लगो भैया। मास्क लगा रहे हैं अभी, रुको मेरी बात सुनो, क्या है आपका सिस्टम, कौन है आपके, कौन क्या है? हमारे यहाँ सरपंच साहब, हमारे यहाँ सरपंच साहब ने यह नियम कर रखा है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है जाता है तो अतरा का चमक रहा है यार, कोरोना अतरा की मर थोड़ रही है, पागल बना रहा है यार। रोज इंसान मर रहे और आप कह रहे इतने थोड़े मर रहे हैं। अरे माँ का कहीं ना जवान पट्टा है यार, जवान पट्टे ही ज्यादा मर रहा है, माँ का फेफड़ा घना मजबूत है, फेफड़ा मजबूत हो जो ऊपर जा रहा है, स्कैन कर रहा है, कर रहा है। मास्क लगाओ आप भैया, फेस मत करो, मास्क लगाओ आप, फेस लगो आप। एक बार तक सरपंच साहब बुलाओ, फोन करो, फोन करो, फोन करो, आप भाई किधर खड़ी करोगे यार, बेवजह हमारे को परेशान कर रहे हैं। अगर मास्क नहीं लगाऊंगा तो नहीं जाने दोगे क्या भैया? विदाउट मास्क हम यहाँ से आपको जाने ही नहीं देंगे, आपको मास्क लगाने के बाद ही। ये क्या लफड़ा है यार, इसके पास मास्क नहीं है हमारे पास। बुलाओ आपके सरपंच साहब को, बुलाओ, कहाँ हो? अरे भैया सर बुलाओ उनको, बुलाओ। कितनी देर धूप में खड़ा रखोगे यार? अरे यार भैया धूप में आप मास्क लगा लो, हम आपको मास्क लगा परेशान कर रहे हैं यार, देखो ना धूप में यार, क्या है तेरे गाँव से आदमी। विदाउट मास्क के सिवा इनको मास्क दो, एक भैया को भैया आप मास्क लगा क्या? विदाउट मास्क हम यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। एक पांचे भाभी जी ने भी मास्क दो अरे बुलाओ ना सरपंच साहब को, कितनी देर है? अरे सरपंच साहब रुको आप 2 मिनट, बुलाओ उनको। जो कोई दादागिरी कर रहा है ये कह रहे हैं मास्क वास्क क्या होता है, क्या सिस्टम है, सरपंच साहब को बुलाओ। ये हुक्म कोई बारला है? अरे यार तुम ओवर कर रहे हो यार, समझ में आता है? प्रेम मैं कह रहे समझा रहे, अपने कह रहे सरपंच साहब को बोलो। हाँ आप बता रहे हो हुक्म, मैंने तो लगा दिया ना इसके पास, अभी सरपंच साहब आने के बाद भी तो आपको लगाना पड़ेगा ना। आप हमारी बात मान, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। अच्छा ये बात कर लो, यही क्या सरपंच साहब को बात करो आप, आइए सरपंच साहब, आप मास्क न लगाओ, वही कोई बात है यार, तो मैं तो अटू खाली निकल रहा है ना, गांव में रुक थोड़ रहा है हमको जाना यार, हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमको रस्ते में रोक रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो हम तो खाली यहाँ से निकल रहे हैं ना, आपके गांव में थोड़ रुक रहे हैं, आपके निकल रहे हो तो भी हम भी निकल रहे, हम मास्क दे रहे हैं, मास्क है भाई, आप मास्क लगाओ। उसके पास मास्क है भाई साहब, हुक्म ये नाटक जो हम यही खत्म करते हैं,
हम यहाँ से आपके गांव का आर्टिकल पढ़ के आए हैं, इतनी न्यूज आपकी कालियास पंचायत की सुनी है, जो आप ये काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, हम इस चीज को देखने के लिए आए कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसलिए हम आए हैं। बाकी हम मास्क लगाते हैं, मास्क सभी को लगाना है, मास्क सभी को लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, अभी कोविड गया नहीं है। तो इनका नाम है शक्ति सिंह जी चुंडावत, ये कालियास पंचायत के सरपंच हैं, और इन्होंने जो स्टेप्स दोस्तों लिए हैं कोरोना की सेकंड वेव के अंदर, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद आपने कब से ये काम शुरू किया? लॉकडाउन लगते ही दूसरे दिन हमने ये काम शुरू कर दिया दोस्तों। लॉकडाउन लगने के दूसरे दिन से ये जो चीजें हैं, जो कि सबसे कॉमन चीजें हैं, जिनका बेसिक चीजें हैं, जिनका सबसे ज्यादा सबको ध्यान रखना था, उन चीजों का इन्होंने ध्यान रखा। इस तरह के बैरिकेड बनाए गए ताकि ट्रैफिक को, जो भी पब्लिक यहाँ आ रही है, उनको स्कैन किया जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाए और उनको मास्क दिया जाए अगर मास्क नहीं है तो। बाकी लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है और जागरूकता के अभाव में ही बहुत ज्यादा मृत्यु जो हुई है गाँव में, इसलिए हुई है। आपके यहाँ टोटल पॉजिटिव कितना आए थे? 4 आए थे। 4 पॉजिटिव आए थे और उसके बाद अभी एक भी नहीं है, सब हेल्थी है, ठीक है। दोस्तों खाली 4 पॉजिटिव आए तक, क्या कितनी आबादी अपने? 8,300 की आबादी में दोस्तों 4 पॉजिटिव। वो कब से बीमार थे? वो पहले बीमार थे, 17 के पहले बीमार थे, उनके सिम्टम्स 17 के बाद नजर आए दोस्तों। लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद उनके सिम्टम्स बाहर निकल के आए, फिर वो बीमार ज्यादा हुआ, क्योंकि यानी कि उसको, उनको जो कोविड का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो पहले एंटर कर चुका था। बाकी इन्होंने जो इनिशियल स्टेप उठाए वो काबिले तारीफ है, इसको देखने के लिए हम यहाँ आए। जो शुरुआत में वीडियो का हिस्सा था उस पर आप ध्यान मत देना, मास्क सभी को लगाना है, बहुत जरूरी है। इसमें अब आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो की है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी पंचायतों को राजस्थान की और भारत के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इनिशियल स्टेप आपको लेने हैं। क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव भी आ सकती है, साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं, डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है। थर्ड वेव अगर आई तो बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है, इसलिए अभी ये सेकेंड वेव का असर कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें तो भले ही कोरोना का डेंजरस जो लेवल है वो कम हो गया है हमारे इंडिया में, कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी रखनी है हम सभी को, ताकि जब आने वाली थर्ड वेव आए, अगर भगवान न करे वो आए, लेकिन अगर आती है तो उसकी तैयारियां हम सबको रखनी है, ताकि जान माल का नुकसान कम हो। सबकी स्कैनिंग होती है और बिना चेक किए किसी को जाने नहीं दिया जाता है। ये कितना, मतलब कितनी बेसिक सी चीज़ है, इन चीज़ों पर गाँव में बहुत सी जगह ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए गाँव में मृत्यु ज़्यादा हुई। टोटल यूथ जो है दोस्तों, वॉलंटियर्स इसमें 110 है, जो इनके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, यहीं के, इन्हीं के पंचायत के, चार चार घंटे की। उसके अलावा भी कोई जरूरत हो तो ये 8-8 घंटे भी काम करते हैं। अच्छा, इसमें सरकारी कर्मचारी भी है। अच्छा, राजस्थान रोडवेज के परिचालक है। हाँ, वो नर्सिंग के बच्चे हैं, वो सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, और पिछली बार जब कोरोना था यहाँ 45 पॉजिटिव थे। 45 दोस्तों, 45 फर्स्ट वेव में 45, मैं खुद पॉजिटिव था। अच्छा, आप खुद भी? यही कारण था, मैं, मेरा बच्चा, अच्छा, ये खुद पॉजिटिव था। अच्छा, मेरे फादर पॉजिटिव थे, मेरे बहन पॉजिटिव थे। हाँ, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सुविधाएं की है कि वापस कोई पॉजिटिव नहीं आ जाए। मैंने इस कोरोना के दर्द को बहुत नजदीक से देखा। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में कहावत है कि दूध को जड़ो छाछ भी फूंक फूंक पीवे, वही वाली बात है। सरपंच साहब ये मुहावरा ने बिल्कुल चरितार्थ करियो है, कहा कि ये पिछली वेव में दाज गया या ना कोरोना हो गयो हो, तो ई बार के मेरे यहाँ के जो लोग हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे चुना है, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तो इस नाते मेरा यह धर्म बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे गांव की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें इतने तरीके से की गई हैं, और अभी भी जब कोरोना की वेव डाउनफॉल में जा चुकी है, अब पॉजिटिव कम आ रहे हैं, फिर भी यहाँ जो शक्ति है वो है, लोगों के साथ बिल्कुल तरीके से पेश आया जा रहा है। देखिए हर लोगों के ऑक्सीजन लेवल कम मापोगे आप? सबका चेक करते हैं, कोई आ रहा है और जा रहा है उसका भी। अच्छा, कोई गांव में आ रहा है या गांव से जा रहा है उसका। अच्छा, बिना काम हम आने नहीं देते, सही कारण बता के आए हैं। सही बात, वापस जा रहा है तब इनकी स्कैनिंग करके हम भेज रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पंचायत हमारे भीलवाड़ा की इतनी ज्यादा हाईलाइट हुई, उसके पीछे के रीजन हम यहाँ खोजने के लिए आए, देखने के लिए आए कि यहाँ किस लेवल का काम चल रहा है, या कि खाली हवाबाजी है, पेपरबाजी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पेपरबाजी नहीं है, हवाबाजी नहीं है, जमीनी स्तर पे बिल्कुल यहाँ काम हो रहा है। हम खुद अभी देखा, हमारी देखो मास्क भी इसको पहनाया, जिद बहस भी हुई, वो तो ठीक है, वो तो आपको समझाने के लिए था बस। हम 20 मिनट से वहां से कुछ देख रहे थे कि सच्चाई है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ के लोग भी बड़े जागरूक है, देखिए आप ये माताजी को देखिए आप, कई उम्र आपकी?
साठ पैंसठ की उम्र है देखो, अभी बकरियां चरा के शाम के टाइम भाई का आदत पड़ गई, रोज करा देखो भाई, ये रोज माफ पहचान है। और बकरियां आ रही, ये रोज करते हैं आपके नाप लेना करना। तो दोस्तों डेली ये चल रहा है, जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये सारी चीजें हो रही है। मैं वाकई में देख के बड़ा हैरान हूँ, और इसी तरह की चीजें आपको भी करनी होगी अपनी अपनी पंचायत में, तभी आने वाले समय में हम इस चीज को तरीके से रोक पाएंगे, इसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जागरूकता के अभाव में ही लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार जो आंकड़े बता रही है वो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे छूट गए जिनका आरटीपीसीआर नहीं हुआ, जो गाँव में थे, घर पे थे, या कि निकाले के फेर में थे, या किसी और तरीके से उनको लग रहा था कि हमें कोरोना नहीं है, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई तो वो कहीं भी ना तो उसका पंचनामा हुआ है, ना उसका कुछ कहीं वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। इसलिए मृत्यु जो हुई जितनी गवर्नमेंट बता रही है उससे थोड़ी ज़्यादा ही हुई, ये बात सच है, ये कड़वा सच है, लेकिन हमें इसको स्वीकार करना होगा। तो ऐसा आगे आने वाले समय में ना हो, इसके लिए कालियास पंचायत को देखते हुए, शक्ति सिंह जी भाई साहब को देखते हुए, हमें इसी तरह के कदम अपनी अपनी पंचायत में उठाने हैं और तैयारी रखनी है। क्यों? क्योंकि ये वायरस अभी गया नहीं है, ये मानव जाति का बहुत नुकसान कर चुका है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका गांव का एंट्री पॉइंट पे जो इन्होंने चीज़ें की है वो हमने देख ली, कि इन्होंने किस तरह के इनिशियल स्टेप लिए और वो अभी तक चल रहे हैं और बहुत तरीके से चल रहे हैं। अब भाई साहब से जानना चाहेंगे हम आगे और गांव में इन्होंने क्या क्या कदम उठाए जो हम देखना चाहेंगे। आपको अगर समय हो तो मैं आपको बिल्कुल समय है हमारे पास, वहाँ मैं आपको जो हमने एम्बुलेंस दे रखी वो वहाँ का सिस्टम बता दूँ। एम्बुलेंस भी दी है, एम्बुलेंस दे रखी हमने कोरोना के लिए। अच्छा, वो दिखा दूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या व्यवस्था है, मेरे फार्म हाउस पर आपको दिखा के जाऊँ मैं आपको कि हमने कोविड का कैसे कर रखा हुआ। अच्छा, फार्म हाउस पर भी? हाँ, उसको हमने कन्वर्ट कर रखा एज ए कोविड सेंटर। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वारंटीन सेंटर कालियास। अच्छा, थोड़ी देर लगते हैं बीमार, जांच कराने के बाद यहाँ लेते हैं। तो यहाँ आप किन मरीजों को लेके आते हैं? भाई साहब, चार में से एक जना ऐसा था जो आसन भर्ती रह के आया था। हाँ। उसके घर पे इतनी जगह नहीं थी। हाँ। उसको आज 10-15 दिनों के थोड़ा कमजोर, हम ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ देसी गाय हमारे सब व्यवस्था है खाने वाने की, तो हम सेवा करके उसको वापस घर छोड़ते हैं। ठीक है, अंदर चल के देखते हैं क्या इन्होंने कर रखा है। ये किस लिए बनाया आपने? ये भाई साहब, जिनके घर पे जगह नहीं है, हाँ, वो सेवा करने वाले नहीं है, वो ऐसे पेशेंट के लिए बनाया। पर सौभाग्य से हमारे यहाँ दो पेशेंट ही है। अच्छा, और वो ठीक हो चुके हैं। अच्छा, अभी आराम की स्थिति में है, ये इसी कारण हमने बनाया है। आपने टोटल पॉजिटिव कितने आए थे? चार आए थे। हाँ। तो उन चार में से ये दो है? दो है सर, नेगेटिव हो गए। अच्छा, नेगेटिव हो चुके हैं। ये आसन भर्ती रहे थे। अच्छा, सेकंड जी नाम इन तो दो चंदू जी किसान, सब जगह बताया गया है कि उल्टा सोने से ऑक्सीजन लेवल सुधरता है। आपका ऑक्सीजन लेवल बता रहे कितना? 74 हो गया था, ये आसन एडमिट रहे 11 दिन। अच्छा, ऑक्सीजन पे फिर इनकी 91 आ गई थी। हाँ। इनको छुट्टी दे दी थी क्योंकि पेशेंट बहुत आ रहे थे। हाँ। फिर हमने ये प्रोमिंग करा के इनकी अभी 96 आ रही है। अच्छा, 96। एक बार ऑक्सीजन चेक करना है इनका। दोस्तों जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये जो पेशेंट है, क्या नाम बताया आपने? चंद्रशेखर जी, ये सबसे ज़्यादा सीरियस हुए थे कौलियास के अंदर इस सेकेंड वेव में। इनको 11 दिन ये आसिन भर्ती रहे, ऑक्सीजन पे रहे, इनका ऑक्सीजन लेवल 72-70 पहुँच गया था, जिसमें कि 80 बहुत डेंजरस होता है। 80 पे अगर आपको टाइम पे इलाज ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले और ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता, आपका दिल, गुर्दे, फेफड़े सब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एक बार इनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। बताइए भाऊ जी, एक बार उंगली दीजिए, आपकी उंगली ऊपर कीजिए, अभी कितना आ रहा है इनका? अब आप देखो इनका लगभग 95-96 होगा, अभी पता लगेगा। ये इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोन पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर में कहीं भी कोई भी पेशेंट है या बीमार है, कोविड के लक्षण है, तो आप उनको उल्टा ही सुलाएं। 99 दोस्तों, देखिए आप 99, बहुत ही बढ़िया स्थिति में है भाऊ जी आप, सच में।
मेरा भी 97 है। अच्छा 99 से पैसा काबिले तारीफ है। ये कितने घंटे तक सोते हैं सर? ये दो चार घंटे में 45 मिनट। सही बात, चार घंटे में। पूरे दिन में लगभग 2-3 घंटा अगर आप सोए तो ठीक रहता है। ठीक है, इनके ज्यादा घूम सकते हैं सर। अच्छा, शुभ नाम आपका? भैरूलाल जी गुजर। आपके कोरोना के लक्षण कब आए? 5-4 दिन से लग रहे हैं। अच्छा, अब नेगेटिव आ गए रिपोर्ट? सही बात। तो भाई साहब के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि जितना जिस हिसाब से जागरूक रहे हैं उस हिसाब से आपके गांव में केस कम हुए हैं। बाकी तो दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस लेवल का काम यहाँ पे किया है भाई साहब ने। सच में कोरोना योद्धा बैठे हुए इनके सोच रहे सेवा में। अच्छा, 5 घंटे की ड्यूटी इनकी चेंज होती है, सेवा में रहते हैं। ये कौन है? ये मैंने मदर सर। अच्छा, कृषि उपज मंडी में चेयरमैन थे भिलवाड़ा, ये सरपंच थे। अच्छा, सरपंच भी रहे हुए। अच्छा, मंडी में अध्यक्ष भी रहे हुए भिलवाड़ा कृषि। अच्छा अच्छा, आपके माता जी। अजय भैया सबसे अच्छी बात है प्रकृति के पीछे मरीजों को देखो। सही बात है, हाँ ताजा हवा तो चाहिए। इनके खाने वाने की सब व्यवस्था यहीं पे बनता है। सही बात, यही रसोई है। रात को ठंड वंड में आ रहा है, रात को ज्यादा ठंड लगे तो अंदर शिफ्ट कर देते। सही बात, दो रूम में भी सर। और ये जो है बिल्कुल ये गांव से बाहर है, सबसे बड़ी बात, प्रकृति के साथ। हाँ, नेचर के बीच में। सही बात, तो यहाँ तो पेशेंट सही बात है जल्दी रिकवर होगा, पोस्ट कोविड उसका जल्दी रिकवर होगा ऐसी चीज़ें। हालांकि मैं तो चाहूँ आपके मरीज आए नहीं, क्योंकि आप बता रहे चाहे 4 आए उसके बाद आए नहीं, क्योंकि इतना जागरूक रहे। 50 किलोमीटर में ये कह रखा है कि जो भी बीमार हुए उनके जगह नहीं तो यहाँ कम से कम 10 आदमी की व्यवस्था मैंने कर रखी। अच्छा, कलाश के अलावा भी। सही बात, आपके आस पास के गाँव में भी आपने बात कह रखी है 50 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम गाँव चलेंगे दोस्तों और गाँव में देखेंगे गाँव में इन्होंने जो कदम उठाए। क्यों? क्योंकि सब कुछ सरकारें नहीं करेगी, कुछ आपको अगर जनता ने चुना है तो आपको भी करना पड़ेगा अपने लेवल पर, तभी चीज़ें कंट्रोल हो पाएगी। जो चीज़ इन्होंने की है वो सब आपको भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है और आप तैयारी नहीं रखोगे अपने गांव में अपने पंचायत में तो नुकसान भुगतने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी बहुत नुकसान हमारा देश झेल चुका है, सेकेंड वेव ने कमर तोड़ दी, इसलिए हम थर्ड वेव के लिए पहले से तैयार रहे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरा मकसद यही है सिर्फ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कालियास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, यहाँ भी देखते हैं किस तरह का काम हुआ है। क्योंकि बिना जागरूकता के आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा और जानकारी का अभाव होगा, आपको लगेगा कि ये तो सर्दी जुकाम बुखार है और आप घर पर पड़े रहोगे, और जो इनिशियल आपको स्टेप उठानी चाहिए इलाज लेना चाहिए वो नहीं लोगे, और घर पे बुखार में अगर 8-10 दिन भी निकाल दोगे तो जान पर बनाएगी दोस्तों। यहाँ पर भाई साहब ने जो काम किया है, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। हाँ। देखिए मेरा नाम भगवान सिंह राठौड़ है। हाँ। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। हाँ। फर्स्ट ग्रेड इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालियास में। हाँ। और जब से ये कोविड आया इस सत्र का, उसके बाद सारी व्यवस्थाएँ अपनी ग्राम पंचायत कालियास में, विशेष तौर से यहाँ के सरपंच साहब श्रीमान शक्ति सिंह जी कालियास के सानिध्य में सारी व्यवस्थाएं बहुत चौक चौबंद रही है। इसमें इन्होंने कोरोना योद्धाओं की एक टीम तैयार की है, तकरीबन 100 से 150 आदमियों की, बच्चे जो सामाजिक संगठन के यहाँ कार्यकर्ता है गली मोहल्ले के। मैं बिल्कुल अभी देख के आ रहा हूँ बैरिकेड। हाँ बिल्कुल, वो देख रहे वही है, उसमें इनको तैयार किया। और दोनों रस्ते जो है कालियास में आने के मेन रस्ते, वहाँ पे बैरिकेड लगा के उनको मतलब रोका, ताकि बाहर के आदमी नाविश आए ही नहीं, उनको भी कोरोना नहीं और उनको कोरोना होती यहाँ के लोगों में भी नहीं फैली, इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की। दूसरा, पूरे गांव में हर गली मोहल्ले में इस अस्पताल में सभी सरकारी संस्थानों में मतलब इन्होंने समय समय पर सैनिटाइज का काम भी किया था। अच्छा। जैसे हमारे अस्पताल में प्रतिदिन 2 बार सैनिटाइज होता है। अच्छा। उसके अलावा घर घर जाकर के इन लोगों को मतलब जो है हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के अलावा इन्होंने अपनी एक पैरेलल टीम तैयार की। अच्छा। ताकि गांव में लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर दिए इनके जो कोरोना वॉरियर्स है। हाँ, उनको। हाँ। और तापमान लेने के लिए थर्मास्कल जो आता है। हाँ। उससे लेकर के मालूम पता लगे कि भाई कोई संदिग्ध आदमी है जिसको बुखार है तो उसको तत्काल यहाँ भेजते हैं। हाँ। और यहाँ आने के बाद हमारे से यहाँ इलाज होता तो हम करते हैं। हाँ। नहीं तो देखो ये एम्बुलेंस पड़ी जगह, इसमें डाल करके पेशेंट को कभी आसीन तो कभी भीलवाड़ा आगे उपचार के लिए भेजते हैं। और लोगों को भेजा भी है, ये भी उपलब्ध है। इसमें कोविड बीमार के अलावा और भी कोई दूसरे बीमार है उनको भी भेजते हैं, आसीन है, गुलापरा है, भीलवाड़ा, और भेजा भी है। उससे कई लोगों की जाने भी बची सरकारी। हाँ, इन्होंने यहाँ। तो दोस्तों ये जो एम्बुलेंस है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है, ये भाई साहब ने व्यवस्था अपने लोगों के लिए जिन्होंने उनको चुना है, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनके लिए गांव के मुखिया भाई साहब शक्ति सिंह जी ने ये एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है गांव में लोगों के लिए कर रखी है।
बहुत अच्छी बात। हाँ ये किया है, उसके अलावा सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है, इसीलिए इतने बड़े गांव में कोई भी कोरोना से हाँ 8 से 10 हज़ार पॉपुलेशन है। अस्सी तहसील का सबसे बड़ा कस्बा है, मुझे लगता है ये दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है इस अस्सी तहसील का। सही बात, उसमें किसी भी ऐसी कोविड संबंधी कोई अनहोनी घटना नहीं थी। तो माइल्ड कोरोना था। हाँ माइल्ड था, वो दो चार पांच पेशेंट आए थे जो बाहर के थे, वो उनको यहीं से लोकल स्तर पर ट्रीटमेंट दे दिया हम लोगों ने, वो ठीक भी हो गए। अच्छा, बाकी कोई ऐसी कोरोना से किसी की मृत्यु इतने बड़े गांव में नहीं हुई, जबकि आप लोग तो देखते होंगे कितने कोरोना से डेथ हुई है। छोटा सा गाँव एक दांचड़ा में 27 आदमी मर गए। 27? हाँ, ये अंटाली के अंदर करीबन करीबन 22 मौतें हुई है। सही बात, नीमेड़ा में हुई है, बदनौर में भी है, आसिन प्रॉपर में सुबह देते हैं, तो ऐसे करके काफी हुई, तो यहाँ काफी इन लोगों ने कंट्रोल किया। सही बात है, और सब इनके प्रयास। सबसे मेन बात है कि वो शुरुआत में चेत के लॉकडाउन लगते हैं, दूसरे तीसरे दिन से एकदम युद्ध स्तर पे काम शुरू कर दिया। वो इस हिसाब से किया, जैसे टीकाकरण भी नहीं हुआ तो लोगों को मोटिवेट किया, और काफी टीकाकरण इनकी वजह से 200-300 आदमी को ज्यादा टीकाकरण। हाँ, गाँव में मैंने देखा है लोग बहुत डर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार, और पता नहीं किस तरह के व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं टीकाकरण कराने वाले का वो नपुंसक हो जाएगा, उसका प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी, ना जाने किस तरह इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज पर आप यकीन मत कीजिए। आपको टीकाकरण करवाना है, हमारे देश की हर्ड इम्यूनिटी को जब तक दो दो डोज पूरी अपने पॉपुलेशन को लग नहीं जाती तब तक हमारे देश की हर्ड इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी तो हम इस कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। हमारे को टीका लगाना बहुत जरूरी है। आप किसी और भ्रम में मत आइए जैसा गवर्नमेंट करी। अगर आपको कोई भी लगता है कि आपकी एज है या आपको पहले कोविड हो चुका है तो आप 3 महीना वेट कर सकते हैं, आपको 3 महीना रुकना चाहिए। अगर आपको कोविड के सिम्टम्स आए या इस दरमियान आप बीच में इस पेंडेमिक पीरियड में अगर आप बीमार भी हुए हैं तो आपको 3 महीना इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद अपना CRP करवा के, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवा के, 350 रुपये का एक टेस्ट होता है ब्लड का, उसको करवा के अगर आपका CRP 5 से अंदर अंदर है तो आप बेझिझक टीका लगवा सकते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गांव में बिल्कुल कह दिया कि टीको न लगाओ, और आपने मैं मेवाड़ी भाषा में बताऊँ कि मैंने आते लगभग 74% टीकाकरण कर दियो 45 ऊपर। अच्छा, वाकई पे जी मैंने एक्टिव नहीं रहा, पे जी कह रहा कि ये तो नपुंसक के जाओ, माने मारबा का बात कर रहे यार, टीका हूँ तो मर जावे। सही बात, अब यह स्थिति हो रही है कि जो टीका की शॉर्टेज आई यही जनता पे कह रही है टीका कटे। सही बात, तो मैं कहते तो काफी एक्टिवनेस, एक यो भी बहुत बड़ो कारण रहियो भाई साहब टीकाकरण। सही बात, टीकाकरण में लोगों में जागरूकता है कुछ बचवा को कारण यो भी रहियो कर लगभग 50% करो दो ही डोज लगे। अच्छा, 50% लोगों के दोनों डोज लग चुकी है दोस्तों, 45 से ऊपर वालों को। गजब, बहुत गजब, बस वो 18 प्लस का आ जावे तो उसके इंतजार में बैठे हैं, 100% करा देंगे। सही बात, और 2-3 दिन में ये भी टारगेट पूरा हो जाएगा, युवा तैयार है पूछने के लिए, आते भी हमारे पास। सही बात, तो दोस्तों देखा आपने किस लेवल का काम हुआ है, मैं सच में खुद देख के हैरान हूँ। अगर आपको जनता ने चुना है तो खाली वो ये नहीं होना चाहिए कि चुनाव हो रहे हैं तब वोटों की खरीद फरोख्त हो गई, और वो जो करते हैं राजनीति में लोग अपने फायदे के लिए, ठीक है, एक वो आटे में नमक जितना जो होता है ना वो चलता है, नमक में आटा नहीं मिलाया जाता, आटे में नमक मिलाया जाता है। तो जिन लोगों ने आपको चुना है, आप उस गांव के मुखिया हैं, और आप अगर पार्षद भी हैं, आप सरपंच भी हैं, आप नेता भी हैं, आप MLA भी हैं, कोई भी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक ने आपको चुना है, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको पब्लिक को ऐसे नहीं छोड़ना है। जब इतनी बड़ी मुसीबत का टाइम है तो आपको सबसे पहले आगे रह के खड़े रहना है। वो चीज़ भाई साहब ने की जिसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ सच में। बहुत अभी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको दिखाना बाकी है, चले भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये आशा सहेली हैं, और आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी ऑक्सीमीटर और ये सारी चीज़ें सभी केंद्रों पे दे रखे हैं, सभी केंद्रों, सभी कार्यकर्ता मैडम को, सभी आशा बहनों को, और जो भी गाँव में कार्यकर्ता है उनको सभी को दे रखे हैं, और जो जरूरत होती है जरूरतमंद को फोन करके सब सामान व्यवस्था कराते हैं। और सरपंच साहब ने बहुत बड़ी इस महामारी में बहुत अच्छा कदम उठाया और गांव का सहयोग किया। कितने आशा सहयोगी हैं? 4 आशा, चारों को सब सामान दे रखे हैं और 4 ही कार्यकर्ता को सब। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो हम जो छोटी छोटी चीज़ें वो सब देखने के लिए आए हैं, तो उसमें एक ये चीज़ ये भी थी, बहुत ही गजब। तो दोस्तों यहाँ पर कालियास पंचायत में भाई साहब ने एक काम और बढ़िया किया कि अगर किसी के भी यहाँ मृत्यु होती है घर में तो वहाँ पर सब लोग एक से भर भर के हुजूम करके नहीं जा सकते हैं, जैसे इस घर में डेथ हुई थी। यहाँ ये किया गया था कि बैठक में आप किसी की डेथ हो जाए तो अगर बैठने भी जाएँ तो 4 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, 4-5 की लिमिट है, उसमें भी ये लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे, और लोग दूरी पे बैठे रहेंगे और गले से गले डाल के औरतें रोएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी जरा से भी लक्षण थे या कि किसी और कारण से भी उसकी डेथ हुई तो ये पेंडेमिक पीरियड में एक जरा सा डाउट रहता है, लोगों को करीब आके रोना नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए, तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा गया। आपको कैसा लगा यहाँ, मतलब आप क्या मानते हैं कि कोरोना के ऊपर जो भाई साहब ने काम किए
वो किस लेवल के? वो अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस रखे हैं गाँव में, क्योंकि जैसे डेथ वगैरह किसी को हो जाती है तो दो चार आदमी से सोशल डिस्टेंस रखा के बिठा के जो भी कार्यक्रम होता है वो कर देते हैं। सही बात। लेडीज जो किसी को पास में नहीं बैठने देते और जो भी आता है बाहर से उसको पहले मास्क देते हैं और सैनिटाइज करके फिर बाद में अंदर। सही बात, बहुत ही बढ़िया। बायस डेयरी है, यहाँ लोग अपना दूध जमा कराने आए हैं। ये देखो आप, यहाँ भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, जो दूर होना चाहिए लोग इसी तरह खड़े हैं। देखो आप, तो ये गांव सच में जागरूक हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ का मुखिया जागरूक है, तो लोगों को भी जागरूक किया है और उस लेवल पर काम हुआ है, इसलिए यहाँ मौतें ना के बराबर हुई, ना के बराबर, खाली 4 पॉजिटिव आए दोस्तों, बहुत ही गजब। और इसी लेवल का जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, इसी लेवल का काम आपको तैयारी रखनी है, करना चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है तो नुकसान बहुत कम होगा अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो। अगर थर्ड वेव आती है और आप इसी चीज़ को जैसे हमने ढील दी पब्लिक ने इस बार सेकंड वेव में, ऐसी लापरवाही अगर थर्ड वेव में करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। अच्छा राशन चाहिए तो? जी राशन चाहिए तो भी हमारे यहाँ से जाता है। अच्छा राशन भी जाता है जी, कोविड वॉरियर्स हमारे वो भेजते हैं। अच्छा जिनको जरूरतमंद है, जिनको जरूरतमंद है, जिनको अभी कुछ है नहीं, जिनके पास जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनके लिए राशन भी जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा तो और बाकी मास्क कितना बता रहे हैं आप? कितने 5,000 से ज़्यादा N95 बांट दिए, उसके अलावा भी बहुत सारे हमने दूसरे मास्क बांटे, हिमालय के सैनिटाइजर बांटे खूब, और दूसरे सैनिटाइजर भी हमने बांटे। एक वैसा हमने धूप बना रखा है। अच्छा कोरोना योद्धा। अच्छा। उसमें जो भी 100 आदमी है वो उसमें जुड़े हुए हैं, वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके या कैसे भी करके इनके मैसेज डाल देते हैं। अच्छा कि भाई इस यहाँ से ये गाड़ी निकलती है उसके पास मास्क नहीं है, आप उसको मास्क दे देना, सैनिटाइजर दे देना। हाँ। नंबर 2 पर अकेला हूँ किसी को भेजो, वो तुरंत आ जाता है। अच्छा ठीक है सर, दवाई छिड़की की नहीं छिड़की ये इसमें आ जाता है। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इसका पूरा, जो भी लोग काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स उनका एक ग्रुप बनाया और उसमें सारी चीज़ें अपडेट रहती है जो भी काम हो रहा है, ये भी बहुत सही चीज़ है। ड्यूटी पे गया नहीं गया भाई साहब, और इसमें मैसेज है भाई 45 से ऊपर का टीका लगाया जा रहा है। हाँ। ऑक्सीजन का क्या है, कौन बैठा हुआ, थर्मल स्कैनिंग हो रही है, आधे घंटे में ये बच्चे देखते हैं काम हो रहा है। सही बात है, ये सिस्टम इन्होंने बैठा रखा है बहुत बढ़िया, और ये यहाँ से ऑपरेट करते हैं, इनको कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम ऐसे 2 बना रखे, एक पंचायत में भी है। अच्छा ये ऑयल है दोस्तों, कपड़े गंदे होंगे तो बैठेंगे नहीं। सही बात है, ये सब जगह ऑयल डाल दिया, ये आपने भी देखा है आपके मन में, रोज लोग मार नहीं रहते, अच्छा ऊपर भी कोविड सहायता केंद्र बना रखा है। तो मेरा भाई राहुल भी यही रहता है इसी गांव से, आप बताइए कि भाई साहब ने जो काम किए वो किस लेवल के हैं? बहुत ही अच्छा काम किया, ऐसा हर पंचायत के अंदर काम होना चाहिए। सही बात। इतना बड़ा हमारी पंचायत के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक भी आज एक भी केस नहीं है। सही बात। हमारे यहाँ पे एक भी केस ऐसा नहीं है। हाँ। जो कि कोरोना का कुछ है। सही बात। बिल्कुल भी एक भी केस नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रखा हमारे सरपंच साहब सत्यसिंह जी कालियास ने। हाँ। और 100 लड़कों की जो टीम बना रखी है इन्होंने, वो बहुत जवाबदारी से टीम काम कर रही है। बिल्कुल, हम अभी सारा देख के आ रहे हैं। और एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है इन्होंने, वो भी जो भी हलचल वगैरह जो भी होती है, जिसकी ड्यूटी जहाँ होती है वो सारा मैसेज उसी में आता है और उसी के दौरान ये सब कुछ काम होता है। और हर टीम हर वार्ड के अंदर 5-5 लड़के वार्ड के अंदर काम करते हैं। अच्छा, निगरानी रखते हैं। हाँ। अगर कहीं पे भी अगर भजन के शाम को अगर पूजा पाठ भी हो रही है। हाँ। अगर संध्या भी हो रही है। हाँ। तो वहाँ पे 3 लोग से ज्यादा नहीं है, और अगर कहीं बैठक वगैरह लगी हुई है। हाँ। वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं किसी की डेथ हो गई तो। हाँ, डेथ हो गई वहाँ पे भी जाते हैं। हाँ। और वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है। अगर जहाँ पे भी डेथ हो गई है तो वहाँ पे हुक्म जाने से पहले और आने से पहले, जैसे किसी की अर्थी लेके जाते हैं या किसी को डायरेक्ट लेके जाते हैं, उससे पहले सैनिटाइज करवाते हैं, वापस आते हैं फिर सैनिटाइज करवाते हैं। हर दो तीन दिन के अंदर सैनिटाइज वहाँ घर घर के अंदर भी होता रहता है, और वहाँ पे भी निगरानी रखते हैं ये लोग कि भी वहाँ पे ज्यादा आदमी इकट्ठे तो नहीं। सही बात है, ज्यादा भीड़ ना हो, ये चीजें सारी मैं देख के आ रही। और सरपंच साहब का बहुत ही अच्छा कार्य है ये, जो बहुत ही दिल से कर रहे हैं ये, और सैनिटाइज मास्क वगैरह सभी को बांट रहे हैं। हाँ। और गांव के अंदर भी सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सही बात है। ओके मेरे भाई, थैंक यू। ये राहुल है मेरा दोस्त है, आपको पता है ना कॉफी कल्चर, हमारी वीडियो देखूंगा साथ में आपको। तो भाई भी यहीं से ही है। तो दोस्तों कालियास पंचायत के अंदर सैनिटाइजेशन का काम भी जो है बहुत तरीके से हुआ है, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाकर ये देखो ट्रैक्टर पूरा ये सिस्टम बनाया गया है देखो, और इस तरह से सैनिटाइज करते हुए चलते हैं।
और गांव को बहुत बार सैनिटाइज किया गया, तो ये भी बहुत अच्छे लेवल पे किया है दोस्तों। इससे भी बहुत कंट्रोल हुआ है, क्यों? क्योंकि ये अगर बैक्टीरिया लोग बैठते हैं, वायरस जो है ऐसी जगह पे ही रहता है, तो जब इसका छिड़काव होता है तो वो कंट्रोल हो जाता है, वो मर जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों सिस्टम कितना सिंपल है, देखो यहाँ से शाफ्ट कनेक्टेड है, ये बेल्ट है, ये पंप है, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल है, और इधर ये जेट प्रेशर वॉशर है। इससे पूरा ये तरीके से चलता रहता है, और इसी तरह से सैनिटाइज करते हुए पूरे गांव को ये सैनिटाइज करते हैं, और ऐसा अभी पेंडेमिक पीरियड में बहुत बार किया गया है। तो दोस्तों यहाँ का ये बड़ा मेडिकल स्टोर है, छुंडावत मेडिकल स्टोर, यहाँ पर भी बात करते हैं एक बार। तो भैया यहाँ जो पंचायत में जो काम हो रहे हैं, हाँ, वो किस लेवल के हो रहे हैं, आप इनसे संतुष्ट हैं इस काम से? इस काम से मैं क्या पूरा राजस्थान ही संतुष्ट है। सही बात है, क्योंकि ये तो मॉडल बन गया कालिया सरपंच साहब की वजह से। उनकी इतनी कोशिश है कि गाँव में कोई भी बीमार नहीं रहना चाहिए। हाँ। इस चक्कर में पूरे PSC को सख्त आदेश दे रखे, साथ में NM वगैरह सभी को। अच्छा। और मेरे यहाँ पे भी साफ करेगा, किसी बुखार वगैरह आए तो छोटी सी भी बीमारी हो तो एक तरफ नाम नोट करके शाम को मुझे बताओ। सही बात। अच्छा, आप नाम नोट कर रहे हैं, कौन आपके? हाँ हाँ, कौन कौन पेशेंट है, नहीं है, शाम को उसका पूरा एनालिसिस होता है। अच्छा। सभी बैठ के कौन बीमार है, नहीं, उनके घर पे फिर वो खुद जाते हैं, उनके वहाँ जो दवाई जाती है गरीबों के। हाँ। वो मेरे यहाँ से वो खुद भेजते हैं, उनका पैसा सरपंच साहब देते हैं। अच्छा, वो फ्री ऑफ चार्ज? हाँ, फ्री ऑफ चार्ज है। बाकी कोई इमरजेंसी, आज जैसे 500 मास्क लेके गए थे। अच्छा। पंचायत में बंटवाने के लिए, बाकी जिथ्रो जिंक डोलो जो जो दवाएं जाती है, जो बेसिक चीजें हैं, जो हाँ वो बेसिक सारी चीजें शाम को एक बार मेरे से भी बात होती है कि कौन कौन बीमार है, क्या है, पूरी चीज लेके एनालिसिस होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोरोना की 3 स्टेज है, जो माइल्ड कोरोना है वो हमारे देश की बड़ी आबादी को होगा, ये वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया था। तो बहुत लोगों को जो माइल्ड कोरोना होगा, माइल्ड कोरोना जो अपने एजिथ्रोमाइसिन है और बाकी जो शुरुआती टेबलेट्स हैं उनको लेकर, अच्छा खाना खाकर, आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर ही ठीक हो जाओगे आप घर पे ही। तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुखार में घर पर पड़े रहते हो तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी, पूरा ध्यान रखते हैं। और ऐसे सरपंच, हाँ, युवा सरपंच सब जगह होना चाहिए, ताकि एक ये कोरोना फैलता ही नहीं, दूसरी लहर ही नहीं आती यदि ऐसे सब करें। सही बात है, बिल्कुल तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इस वीडियो में, बार बार सबको यही कह रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है, अपनी पंचायत में आप पहले से तैयारियाँ रखें। अगर तीसरी लहर आती है, नहीं आनी चाहिए, अगर आती है इस तरह की तैयारियाँ रहेगी तो नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि ऐसे सरपंच साहब हर जगह जागरूक रहे। हाँ। और हर नागरिक को जागरूक करे। हाँ। तो दूसरी तीसरी लहर का तो नाम ही नहीं होगा, दूसरी में सब खत्म हो जाएगा। सही बात है, सही बात। और इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाएगा कि ऐसी होनी चाहिए। सही बात है। तो जैसे कि यहाँ मेडिकल पे शैलेंद्र सिंह जी बैठे थे, इन्होंने बताया कि इस लेवल का काम जो यहाँ हुआ है ये एक तरह का मॉडल बन चुका है, और सच में मॉडल बन चुका है। इसकी इतनी न्यूज मैंने देखी, व्हाट्सएप पे वीडियोज मैंने देखे, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने विचार ज़रूर नीचे प्रकट करना। और हमें अभी कोरोना गया नहीं दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं उन सबका हमें ख्याल रखना है, जो भी प्रोटोकॉल्स है गवर्नमेंट के उनको हमें बहुत सख्ती से फॉलो करना है, तभी हम इस कोरोना पर विजय पा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। भीलवाड़ा जिले की एक पंचायत ने पूरे प्रदेश को एक राह दिखाई है। देखिए आखिर क्या है भीलवाड़ा का कालियास मॉडल। आसीन उपखंड क्षेत्र की कालियास ग्राम पंचायत कोरोना रोकथाम के लिए एक मॉडल के रूप में साबित हो रही है। कालियास पंचायत क्षेत्र में सरपंच शक्ति सिंह की अगुवाई में गांव के युवाओं के दल कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। गाँव के रास्ते पर चेक पोस्ट बनाकर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ आने वाले वालों का तापमान जांचने के साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। कोरोना योद्धा गांव में मास्क सैनिटाइजर वितरित कर रहे हैं। भामाशाहों के सहयोग से गांव में घर घर खाद्य सामग्री दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सरपंच शक्ति सिंह के मुताबिक गाँव में आने आके सभी रास्ते बंद कर पहरा बैठा दिया गया है।